जीण माता मंदिर के पास कांग्रेस पार्षद व परिवार पर हमला करने का एक और आरोपी सोनू शूटर गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। चूरू के जीण माता मंदिर के पास 24 मार्च को कोर्ट से घर लौट रहे पार्षद और उसके परिवार पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। मामले की जांच कर रही सीओसीटी ममता सारस्वत ने बताया कि कांग्रेस पार्षद मोहम्मद अली और उसके पुत्र रफीक पर सरिये से हमला करने के आरोप में पुलिस ने बुधवार दोपहर वार्ड 17 निवासी सोनू शूटर को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने घटना में शामिल होना पाया गया। सारस्वत ने बताया कि आरोपी को शाम के समय कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। प्रकरण के अन्य आरोपियों को भी पुलिस तलाश कर रही है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।